हेलो एवरीवन, हम स्वाति देशवाल, वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे टनल डायोड एंड फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, उसके बाद हम टनल डायोड को एज अ ऑक्सीलेटर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं टनल डायोड एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारा सिंबल है टनल डायोड का, देखिए इसमें ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। जो टनल डायोड है वो हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन मटेरियल में ही हमारी पॉसिबल है, यानी कि जब हम टनल डायोड बनाएंगे तो जो पीएन जंक्शन है वो हैविली डोप्ड होना चाहिए। तो हैविली डोप्ड अगर पीएन जंक्शन हमारा है तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी डिप्लीशन विड्थ है वो नैरो होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये हैविली डोप्ड है तो जो डिप्लीशन विड्थ है वो नैरो होगी, अगर लाइटली डॉप्ड होता तो डिप्लीशन विथ वाइड होती। लेकिन अगर हम टनल डायोड बना रहे हैं तो हमारा जो पी एन जंक्शन है वो हैविली डॉप्ड होना चाहिए और जो उसका डिप्लीशन रीजन है वो नैरो होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा टनल डायोड है, फेमस फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस, याद रखिए फॉरवर्ड बायस में जो टनल डायोड है वो अपने नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के लिए फेमस है, यानी कि इसके पास एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। किस टाइम पे, जब हमारा जो टनल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो याद रखिए फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है हमारे टनल डायोड के पास। फिर हमारा जो टनल डायोड है उसका जो स्विचिंग स्पीड है बहुत ही हाई है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में हम अपने टनल डायोड का यूज़ करते हैं, जो कि किस रीजन में होगा, हमारा माइक्रोवेव रीजन में। जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उस रीजन में हम टनल डायोड का यूज़ करेंगे। फिर अब टनल डायोड का हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसका वर्किंग क्या है। तो अभी टनल डायोड कब वर्क करता है, हमारा फॉरवर्ड बायस रीजन में इसके पास क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। लेकिन जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड की तरीके से बिहेव करेगा। तो अब इसका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस स्मॉल या फिर नैरो डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हमारा क्या है, डोपिंग बहुत ही ज़्यादा हाई है, उससे हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही नैरो है। तो जो डायरेक्ट फ्लो होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स का अक्रॉस नैरो या फिर स्मॉल डिप्लीशन रीजन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो एन साइड के कंडक्शन बैंड से पी साइड के वैलेंस बैंड में हमारे फ्लो होते हैं। और फॉरवर्ड बायस में हमारा किसकी वजह से करंट होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो एन साइड में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, डिप्लीशन विड्थ बहुत ही नैरो है, क्योंकि हमारा जो डोपिंग लेवल है बहुत ही हाई है। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट लगाएंगे तभी भी हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड के कंडक्शन बैंड से वो जंप करना शुरू करेंगे पी साइड के कंडक्शन बैंड में, ठीक है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है। तो बहुत ही स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के वजह से ही हमारे जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन साइड के पी साइड के कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, यानी कि पी साइड में हमारा पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई डॉपिंग डिप्लीशन विड्थ इज 1000 टाइम लेस देन नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड, हमारा जो डॉपिंग लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो कितना, 1000 टाइम लेस होगा। नॉर्मल पी एन जंक्शन में क्या है, नॉर्मल डॉपिंग होती है। अब हमने क्या किया, टनल डायोड बनाने के लिए पी एन जंक्शन का जो डॉपिंग है वो हाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो डिप्लीशन विड्थ था वो 100 टाइम लेस हो गया। तो 100 टाइम लेस होने से हमारा फायदा क्या हुआ, हमने स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो तभी भी एक टनलिंग होगा। टनलिंग का मतलब क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड एन साइड से कंडक्शन बैंड और पी साइड मूव करेंगे विद हेल्प ऑफ स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज इनफ टू क्रॉस बैरियर, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही सफिशियंट होगी हमारे इस टनलिंग के लिए, ठीक है। इवन लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब हम पीएन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं तो हमारा कंडक्टिंग रीजन कब आता है, जब हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा टनल डायोड में क्या है कि हम कंडक्टिंग रीजन में तभी भी आ जाएंगे जब हमारा जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तभी भी हमारा जो कंडक्शन है वो पॉसिबल होगा। साथ साथ हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है हमारे टनल डायोड में। तो अब वो क्या है एक्चुअल में, वो भी देख लेंगे। अब हमारा जो जो ये टनल डायोड है मोर थर्मली स्टेबल देन पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा जो टनल डायोड है जो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है हमारे पीएन जंक्शन डायोड से। साथ ही साथ इसका हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। और
तीसरा फायदा क्या है, इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है। लो पावर कंजम्पशन कैसे होता है, हमें पता है पी इज इक्वल टू वी इनटू आई, ठीक है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तभी भी हमारा कंडक्शन पॉसिबल होगा। तो लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड से देखें और जो सेम अमाउंट ऑफ करंट है अगर हम टनल डायोड से लेना चाहें तो हमें टनल डायोड में लेस वोल्टेज पे ही सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा पावर कंज्यूम हुई यहाँ पे वो कम होगी नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड से अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहते हैं पी एन से भी और टनल से भी। तो टनल हमारा क्या है, पावर कंजम्पशन इसमें कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कंडक्शन पॉसिबल है जब हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो लेस देन है VTH, जब VTH से भी लेस वोल्टेज पे हमारा कंडक्शन पॉसिबल है हमारे टनल डायोड में। एज फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस इट सपोर्ट ओवरलैपिंग ऑफ, अब क्या है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, इट सपोर्ट्स ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी है पी साइड का वो कंडक्शन बैंड एन साइड के साथ ओवरलैप है, यानी कि बहुत ऑलमोस्ट बहुत ही पास है और जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास है और हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत ही नैरो है और जो हमारा वैलेंस बैंड है पी साइड का जो वैलेंस बैंड एन साइड के ऑलमोस्ट इक्वल है जैसे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था। तो अब दोनों एक दूसरे के पास हैं तो टनलिंग हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। टनलिंग का मतलब क्या है कि वो थोड़े से अमाउंट में थोड़े फॉरवर्ड वोल्टेज में ही क्रॉस कर पाएगा अपने बैरियर को। बट एज वोल्टेज कीप इंक्रीजिंग, जैसे जैसे अब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो अब हमारा क्या है अलाइनमेंट था कंडक्शन बैंड पी साइड का कंडक्शन बैंड एन साइड से, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा मिस अलाइनमेंट होता जाएगा, यानी कि अब हमारा क्या था पी साइड का कंडक्शन बैंड था, सपोज ये पी साइड का कंडक्शन बैंड था, ये एन साइड का कंडक्शन बैंड था, अब हमने अगर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करी तो हमारा जो एन साइड का कंडक्शन बैंड है वो अपर साइड में शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि तो अब हमारा करंट जो इंक्रीज हो रहा था वो थोड़ा अमाउंट के लिए फिर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हमारा मिसअलाइनमेंट होगा जिससे हमारा करंट डिक्रीज होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव रीजन इफेक्ट हम अपना बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा ये हम ग्राफ देखें अपने टनल डायोड का VI ग्राफ देखें तो ये वोल्टेज है ये हमारा करंट है, जैसे जैसे हमारा क्या है पहले हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं हमारा करंट इंक्रीज होता है, यानी कि 0 वोल्ट से ही हमारा करंट इंक्रीज होना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज इंक्रीज होकर के 0.1 वोल्ट या फिर 0.3 वोल्ट तक जाता है तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होना शुरू करता है, ठीक है। अब 0.1 वोल्टेज या फिर 0.3 वोल्टेज के बाद हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था मिसअलाइनमेंट हो रहा है हमारे जो दोनों कंडक्शन बैंड थे दोनों वैलेंस बैंड थे उनके बीच में, ठीक है। फिर जैसे नॉर्मल पीएन डायोड हमारा क्या करता है 0.7 यानी कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आती है उसके बाद ही हमारा नॉर्मल डायोड की तरीके से ये टनल डायोड हमारा बिहेव करने लगता है। तो जहाँ पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम है उसको पीक पॉइंट बोलते हैं और जहाँ पे करंट का वैल्यू मिनिमम है यानी कि वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को आकर के यहाँ पे आया इस पॉइंट को हम वैले पॉइंट बोलेंगे। तो वैले पॉइंट के बाद हमारा जो टनल डायोड है नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरीके से बिहेव करेगा। तो पीक पॉइंट और वैले पॉइंट के बीच को हम क्या बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस हम क्यों बोलते हैं, हमें पता है R इज इक्वल टू V बाई I यानी कि वोल्टेज तो हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो हमारा करंट था वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज का मतलब क्या है माइनस में वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो हाई वैल्यू आएगी लेकिन वो माइनस में हमारी वैल्यू होगी, इसको हम इसलिए नेगेटिव रेजिस्टेंस अपना बोलते हैं। बियॉन्ड वैले पॉइंट वर्क एज अ नॉर्मल पी एन जंक्शन, वैले पॉइंट के बाद ही हमारा नॉर्मल पी एन जंक्शन के तरीके से बिहेव करता है। ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टनल डायोड इज यूज इन ऑक्सीलेटर्स, अब हमारा नेगेटिव रीजन कहाँ हेल्प करता है जब हमें इससे ऑक्सीलेटर्स बनाने होते हैं, तो टनल डायोड को हम एज अ ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं। वो भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा टनल डायोड है एज अ ऑक्सीलेटर बिहेव करता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारा टनल डायोड हुआ, ये हमारा कोई इनपुट वोल्टेज हुआ, साथ में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और साथ में हमारा एक स्विच होगा। इस स्विच का होना और ये RL का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम अपने टनल डायोड को एज अ ऑक्सीलेटर बिहेव करवाना चाहते हैं। तो
तो ये ऑक्सीलेटर बनता है ड्यू टू रेशियो बिटवीन आरडी एंड आरएल। आरडी मतलब जो टनल डायोड का रेजिस्टेंस है जो कि चेंज हो रहा है हर रीजन में, उसके बाद जो आरएल है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लिया है उनके रेशियो की वजह से ये एज ए ऑक्सीलेटर बिहेव करता है। तो वो कैसे बिहेव करता है, सपोज हमने स्विच को क्लोज किया, तो जैसे स्विच क्लोज किया इसका मतलब क्या है, हमारा जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होना शुरू करेगा, यानी कि हमारा क्या है वोल्टेज इंक्रीज हो रही है साथ साथ हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब ये जो वोल्टेज है अराउंड हमारी कहाँ तक चली जाएगी, मतलब इफेक्ट दिखना इसका जब शुरू होगा, तो जब ये इफेक्ट 0.1 या फिर 0.3 वोल्टेज तक जाएगा तो हमारा करंट मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद हमारा जो करंट है टनल डायोड के अक्रॉस वो डिक्रीज होना शुरू करता है। वो कब तक डिक्रीज होता है, जब तक हम वैल्यू पॉइंट तक आते हैं। वैल्यू पॉइंट कहाँ कितना होता है, अराउंड 0.7 वोल्ट, और इसके बाद ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरीके से बिहेव करता है। अब ये किस तरीके से ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि पहले जब स्विच क्लोज किया हमारा करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम किस पे आए, जब 0.1 या फिर 0.3 वोल्टेज पे हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ उसका मतलब क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है किसका, हमारे टनल डायोड का, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है R इक्वल टू V बाई I, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो ये लोअर वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसका जो रेशियो है वो चेंज होगा RD बाई RL, क्योंकि RL हमारा फिक्स्ड है, RD हमारा क्या है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम वैल्यू पॉइंट पे जाएंगे, अब हम वैल्यू पॉइंट पे गए तो वैल्यू पॉइंट पे हमारा क्या है, करंट ने फिर से इंक्रीज होना शुरू किया। अब हमें पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VD, वो कैसे निकालेंगे, वी इन माइनस आई इंटू आरएल, आई मतलब जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, यानी कि वैल्यू पॉइंट के बाद हमारा क्या है करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, VD इक्वल टू वी इन माइनस आई इंटू आरएल। तो आरएल हमारा कोई फिक्स्ड अमाउंट है लेकिन करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, तो किसी वी इन में से हम इंक्रीज वैल्यू को अब माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, जो VD का वैल्यू है वो लेस मिलेगा, और ये कितना लेस होगा कि ये अपने फिर से, जैसे मान लिया ये वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू कर रहा था लेकिन जो अक्रॉस हमारे डायोड का वोल्टेज है तो वो इसकी वजह से और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो फिर से हमारा जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही आ जाएगा, विद इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में हमारा वोल्टेज मेंटेन रहेगा। फिर अब हमारा क्या हुआ कि वैल्यू पॉइंट हमने ज़्यादा इंक्रीज करने का ट्राई किया लेकिन हम फिर भी कहाँ पे रहे, वैल्यू पॉइंट के अंदर रहे, तो सपोज हम पीक पॉइंट तक चले जाते हैं तो पीक पॉइंट पे हमारा VD क्या होगा, VD इक्वल टू V इन माइनस I इंटू RL। अब हमारा पीक पॉइंट पे क्या है, हमारा करंट का वैल्यू अब इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ इसका मतलब क्या है, वी इन से अब हम लेस अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो VD का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज करके फिर से नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के अंदर आ जाएगा, यानी कि अब अगर आप वैल्यू पॉइंट से बाहर जाना ट्राई करेंगे वो फिर से आपको, क्योंकि ये क्या है RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फोर्स करेगा फिर से हमारे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के अंदर आने के लिए। अगर हम पीक पॉइंट से पीछे जाने का ट्राई करते हैं तो फिर से ये हमारे जो वोल्टेज है अक्रॉस टनल डायोड उसको इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा ये डायोड हमेशा पीक पॉइंट से वैल्यू पॉइंट के रीजन में हमेशा रहेगा, यानी कि इसमें ऑक्सीलेशंस होंगे, बाहर जाएगा फिर से वैल्यू पॉइंट के अंदर आएगा, पीक पॉइंट से पीछे जाने का ट्राई करेगा तो फिर से जंप करके पीक पॉइंट तक आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो टनल डायोड है सब ऑक्सीलेटर बिहेव करेगा, अगेन एंड अगेन फिर से हमारा क्या है नेगेटिव रीजन में ही आता रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा टनल डायोड है एज अ ऑक्सीलेटर बिहेव करता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।